ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 14 अगस्त 2020 फ्राइडे है, सुबह के 8:34 हो रहे हैं। हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। पूरा वीक हमने देखा एक स्लगिश वे में मार्केट इस समय ट्रेड हो रहा है। एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें देखने को मिल रही है और लगातार चौथे दिन एक बोरिंग कैंडल क्रिएट हुआ है। तो आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं, क्या पैटर्न बन रहा है वो आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू कर दें। ये कल का पिक्चर है, यानी 13 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,336 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,274। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। निफ्टी इंडेक्स ओपन होते ही एक तेजी के साथ ऊपर की तरफ बढ़ा, हालांकि वो सस्टेन नहीं कर पाया ऊपरी लेवल्स पे। फिर से नीचे आके ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से जब ये बाउंस बैक हुआ तो फर्स्ट टारगेट के पास इसने अपना फर्स्ट टारगेट 11,352 ये अचीव किया और एग्जैक्ट यहाँ पर ही ये कंटिन्यूज रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पर ये डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन के बाद ये जब नीचे आया तो एग्जैक्ट ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया और पूरे दिन एक स्लगिश वे में ये ट्रेड हो रहा था। निफ्टी इंडेक्स में काफ़ी वॉल्यूम की कमी इस समय देखने को मिल रही है। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 6,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। FII और DII की एक्टिविटी देखें तो जैसे कि कल भी हमने देखा था इस चार्ट में, ये जो रेड कैंडल्स है ये FII का वॉल्यूम दिखा रहा है और ये येलो कैंडल्स हमें DII का वॉल्यूम दिखा रहा है। तो अगर लास्ट के कुछ दिनों से मार्च में अगर देखें, मार्च अप्रैल में, तो FII की एक्टिविटी का ये जो वॉल्यूम कैंडल है, स्टिक है, ये काफ़ी लंबा लंबा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी कुछ देखें 5-6 दिनों से काफ़ी छोटा है, तो यानी कि यहाँ पर लैक ऑफ वॉल्यूम है, ट्रेडिंग वॉल्यूम की काफ़ी कमी है यहाँ इस समय। अगर डेली चार्ट पे अगर आप कैंडल देखें निफ्टी के, तो एक बोरिंग कैंडल जहाँ ओपन हो रहा है ऑलमोस्ट उसी जगह आकर क्लोज हो रहा है। बॉडी जो है कैंडल का वो ज़्यादा बड़ा नहीं बन पा रहा है। तो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में इस समय निफ्टी इंडेक्स है। पूरे दुनिया भर के मार्केट्स भी देखें, नासडैक 30 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट देखे तो फिर से वहाँ पर एक बार कमजोरी देखने को मिली। एशियाई बाजार देखे तो SGX निफ्टी हल्की सी कमजोरी यहाँ पर दिखा रहा है और जापानीज इंडेक्स हल्के से बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो मिला जुला कारोबार इस समय पूरे ग्लोबल मार्केट्स में भी देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो 23 पॉइंट की हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। तो आज क्या निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे। ये जो फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया था, इसका 61.8% का लेवल ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट ये 2 दिन इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। कल का लो भी 50% का ये जो लेवल था इसी के पास इसने कल सपोर्ट टेस्ट किया है। तो काफ़ी एक्यूरेट ये लेवल साबित हो चुके हैं। 4 लास्ट दिन का अगर कैंडल देखें तो बोरिंग कैंडल यहाँ पर क्रिएट हुआ है। जो पूरा हाई और लो का रेंज है उसको कंपेयर करें बॉडी के साथ, तो काफ़ी छोटा बॉडी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। उसके लास्ट 2 दिन भी देखें तो एक इनडिसिजिव पैटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। तो निफ्टी अभी इस समय एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर आइदर ये इस तरफ ब्रेकआउट मिलता है या इस तरफ ब्रेकडाउन मिलता है, इसके बाद ही लॉन्ग पोजिशन यहाँ पर क्रिएट करना फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अभी फिलहाल डेली चार्ट का ये सीनारियो है, ब्रेकआउट और या फिर ब्रेकडाउन के लिए रुकना पड़ेगा अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो। कल हमने देखा था 2 आवरली चार्ट में यहाँ पर एक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया था। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, एक ऑब्जर्वेशन है।
प्रोबेबिलिटी है, अगर इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बन रहा है। ये हो सकता है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो सकता है हेड और ये हो सकता है राइट शोल्डर। तो यहाँ पर अगर नेक लाइन को ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये एक सिर्फ ऑब्जर्वेशन है, प्रोबेबिलिटीज है। तो देखते हैं, लेट्स सी आज क्या होता है हफ्ते के लास्ट ट्रेडिंग सेशन। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। कल अगर ये चार कैंडल देखे आर्ली चार्ट में तो यहाँ पर सीधे तौर पे एक रेंज क्रिएट हुआ है। तो इस रेंज का ये जो लो है उसी के नीचे क्विकली ये पिवट पॉइंट का S1 का भी लेवल आ रहा है। और अगर आप इसे पास्ट में देखें तो यहाँ पर कई मौकों पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया, 1, 2, 3 और कल फिर ये 14। तो 11,269 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। और तभी तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 50 EMA का ये ब्लू लाइन यानी 11,256, एक छोटा सा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा 11,237, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये था ब्रेकडाउन का प्लान। और अगर ऊपर की तरफ ये अगर मूव करता है तो इस ये जो रेंज क्रिएट हुआ है चार कैंडल का, यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर इसने पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर एक दिन पहले इसने रेजिस्टेंस फेस किया था। तो 11,322 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,336, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट होगा 11,349, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो निफ्टी काफ़ी अभी इस समय एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में है, वेट एंड वॉच करें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। तो ये था आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।